नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। सो वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑफ आरटीपी डिस्कशन। सो मैं यही करूंगा एवरीडे बेसिस पे ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस आरटीपी के डिस्कस करते रहूंगा, सो दैट आप लोग के ऊपर भी बर्डन ना आए एंड स्मूथली ये पूरा हो जाए। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि 10 के 10 लेक्चर में एक साथ रिकॉर्ड करूं एंड देन फिर आप लोग को दू, बिकॉज वो देख भी नहीं पाओगे, उतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी नहीं रहेगा एंड देन यू नो इट शुड नॉट बिकम अ बर्डन। सो ये एक एक दो दो करके देखते रहेंगे, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई चलो आज कुछ हो गया एंड ओवरऑल बेटर रहेगा। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिकली एनालिटिकल एंड थ्योरेटिकल इन नेचर एंड एज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मैं आपको बता दूं ICAI का क्वेश्चन है ये। यस, इट इज ICAI मे 2019 गुजरात सौराष्ट्र पेपर, जो 15 डेज के बाद पोस्टपोन करना पड़ा था इंस्टीट्यूट को ऑन अकाउंट ऑफ सम साइक्लोन और स्टॉर्म। वहां से ये पिक्ड अप क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने जो लिया है एंड उन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सुपर चीज की है दैट दे हैव कंबाइंड 3 चैप्टर्स। देखो न्यू सिलेबस का ये चीज बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा ऐसा नहीं है, देयर विल बी मल्टीपल चैप्टर्स विच विल मेक वन क्वेश्चन। सो यहां पे प्राइमरी फोकस है चैप्टर नंबर 2 के थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। सो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कुछ एनालिटिकल थ्योरी बनती है विच दे बाइफर्केटेड थ्रू चैप्टर 7 प्राइसिंग डिसीजन एंड चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, उसका कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट लिया है प्राइसिंग पॉलिसी का है एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने वो लिया है चैप्टर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का रिलेटिंग टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो तीनों को कंबाइन करके अपने को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द क्वेश्चन एंड इमीडिएटली अपन लोग उसको डिस्कस करके वी विल गेट इट डन एंड डस्टेड। तो चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। यस, चलिए एंड हियर इट इज ZED। जैसा आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ZED प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स Z and D। सो दो प्रोडक्ट्स यहां पे अपने बनते हैं, एक बनता है Z एंड दूसरा बनता है D एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बोथ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सेम मटेरियल मशीनरी एंड स्किल्ड लेबर। सो सेम मटेरियल भी वही यूज होता है दोनों बनाने में, मशीनरी भी एक वही है, स्किल्ड लेबर भी वो है जो दोनों पे काम कर सकता है। मशीन आवर्स अवेलेबल फॉर द ईयर इज 4000 आवर्स। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिमिटेशंस बता दिए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस चीज पे केंद्रित होना चाहिए। यू शुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू द लिमिटिंग फैक्टर और देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू द बॉटलनेक एक्टिविटी। सो यहां पे अपने को पता है कि भाई देखो अपने को 3 रिसोर्सेस चाहिए, अपने को 3 रिसोर्सेस चाहिए, अपने को मटीरियल्स भी चाहिए, अपने को मशीनरी भी चाहिए, अपने को स्किल लेबर भी चाहिए। बट मशीनरी और स्किल लेबर के बारे में भाई साहब ने कुछ नहीं कहा है, बट मशीन आर्स के बारे में, सॉरी मटेरियल्स और लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा है, बट मशीन आर्स के बारे में एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है दैट इज 4000 आवर्स। सो कैन आई से अब भले मेरे पास कितना भी अनवांटेड मटेरियल हो, कितना भी मेरे पास लेबर हो, बट मशीन आर्स ही कम है, देन इन दैट केस कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मुझे तीनों चाहिए। सो दैट मशीन आर्स बिकम्स माय बॉटलनेक एक्टिविटी। देखो अभी तक तो मैंने सम को आगे रीड करना स्टार्ट भी नहीं किया है, बट जब आपके एग्जाम देने वाले पोजिशन पे आ जाते हैं ना, तो ये सब चीजें आपको ऑन द स्पॉट क्लिक होनी चाहिए। सी कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं बाहर निकल के कि सर पेपर लेंदी था, कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाता है? बिकॉज कहीं ना कहीं अपन सोचने में ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो ये इश्यूज आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप कितना भी भले ही कोई भी ऐसा वीडियोस देख लो जहां पे आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट फास्ट पेपर, हाउ टू डू दैट, बट उसके लिए कोई बोलते ना एक थंब रूल उपाय ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, प्रैक्टिस करो एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू। सो बॉटलनेक एक्टिविटी। सो कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। अब मशीन आवर्स आपके दिमाग में बस जाना चाहिए जब तक ये सम कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मेरा जेड और डी का आउटपुट प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं उसको मेरे को ध्यान में रखना है। आई कंटिन्यू।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर जी एंड फॉर डी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, मशीन आर्ट्स पर यूनिट दिया है, मैक्सिमम एनुअल डिमांड दिया है इनका, एंड और साथ में बोला है ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पे, मतलब अपने पास जेड का जी का अपने पास 2000 का डिमांड है और उसमें से 400 अपन लोग ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अभी 400 तो इट इज लाइक कमिटमेंट कि 4400 यूनिट्स का मैंने कमिटमेंट ले लिया है, डी का 1600 यूनिट्स का कैपेसिटी है बट मैंने 1200 यूनिट्स का कमिटमेंट ले लिया है, समझ गुरु। चलो सो प्रिलिमिनरी आई होप यू आर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेट ऑर्डर एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ओवर रीसेंट ईयर्स, ओके, द सीईओ हैज सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग इन द कंपनी। आहा, नाउ ये थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या होता है क्या आपने को पता है, पता होना चाहिए। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कैसे लिमिटेड फैक्टर्स के साथ जो मेरा बॉटलनेक एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे मैं अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करूं, एंड हाउ ऑल्सो आई कैन ट्राई टू एंश्योर कि मैं मेरा जो बॉटलनेक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कैसे करूं सो दैट माय प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। द टोटल ऑफ ऑल फैक्ट्री कॉस्ट इज 1,42,60,000 एक्सक्लूडिंग मटीरियल। अब अपन लोग आ गए रिक्वायर्ड पार्ट के ऊपर, सो आई थिंक प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। चलो आते हैं रिक्वायर्ड पार्ट के ऊपर। यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट टू डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, तो आपको वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दिखाओ एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो एक तो आपको पूछ रहा है कि भाई कितना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स होगा एंड कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सेकेंड रिक्वायर्ड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। सी यहां पे रीडिंग अगेन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। देखो अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा ना क्वेश्चन रीड करते समय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को आप दो बार रीड करो। मैं तो अभी फर्स्ट रीडिंग ले रहा हूं, आपको और मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन रीड करने के लिए, बट ध्यान से कनेक्ट करना कि अपने यहां पे ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर है आपके ऑनलाइन बुकिंग। हो सकता है ये ऑनलाइन बुकिंग आपको इतना फायदा ना दे रहा हो जितना उससे एक्सपेक्टेशंस है अपने को, राइट। सो अब वो तो सम सॉल्व करेंगे तब अपने को समझेगा। सो ध्यान में रखना कि यहां पे इसका कनेक्शन है ऊपर ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर के साथ। Recommend options to be followed in order to avoid any loss of profit. List the various ways through which price customization could be done. ये देखो, price customization. This is a concept जहां पे आपको chapter 7 के ऊपर जाना पड़ेगा, pricing policy. जी हाँ, फिर आपने given that products Z and D are respectively in maturity stage and introduction stage of their life cycle, state the most appropriate pricing policy that could be followed by ZD for Z and D as per their life cycle. So yahan pe apne ko jana padega chapter 4 cost management techniques ke upar, because wahan pe cost management techniques mein concept hai life cycle costing, and that is where we will have to connect. So jaisa maine aap logo starting of the lecture mein bola tha ki jo main theme hai that revolves around theory of constraints, but उसी के साथ साथ और दो chapters का भी proper mix है। So ये पांच questions का आपको answer देना है, and let's start with the solution, ठीक है। So आप लोग का काम क्या है, पहले सीधा ये video को आगे देखना चालू मत करो, please दो minute time लेके इसको without fail एक बार वापस read कर लो। If you want, I will give you that required time. Please read the question and then अपन दोनों साथ में start करेंगे। Come on everyone. Come on. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। I will go ahead. तो सबसे पहले अपने को यहां पे क्या करना है, आइए देखते हैं। So question number 4,
कंपनी का नाम है ZED लिमिटेड, कंपनी का नाम है ZED लिमिटेड, ठीक है। चलो सो अब एक अपना बॉटल नेक एक्टिविटी अपने को दिखा था इधर, कौन था वो बॉटल नेक एक्टिविटी, बोलो बोलो चल चल करेक्ट। कहना से मेरा जो मशीन आर्स है वो मेरे लिए एक बॉटल नेक एक्टिविटी है, तो लेट्स सी क्या मेरा एक्चुअली बॉटल नेक एक्टिविटी वो लिमिटेड है नहीं है। सो एक अपन लोग इधर स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन आर्स कि भाई देखे तो सही कि यार इतना मशीन आर्स के लिए अपन लोग बोल रहे हैं वो सच्चे में लिमिटेड है क्या। मतलब मैं बोलता अभी तक तो मेरा सम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये खाली एक प्रिलिमिनरी बिगनिंग है, प्रीकर्सर है, प्रीव्यू है ये ऑफ माय सम। सो मैं बोलूंगा कि यार देखो मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट जी और एक है प्रोडक्ट डी, बराबर है। चलो अब डिमांड कितना है प्रोडक्ट जी का और प्रोडक्ट डी का, चलो और यहां पे अपन लोग अलग से पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बना लेते हैं। सो एक है प्रोडक्ट जी, दूसरा है प्रोडक्ट डी। अब आप मेरे को बताएंगे कि कितना यूनिट्स का डिमांड है। सो डिमांड इन यूनिट्स याद रखना कितना है दोनों का, टेल मी, बोलो बोलो टेल टेल। सो 2000 यूनिट्स एंड 1600 यूनिट्स का दोनों का डिमांड है, ठीक है। एक यूनिट बनाने के लिए इनटू आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, आप मुझे बताइए एक यूनिट बनाने के लिए कितने आर्स चाहिए अपने को, 1.6 आर्स 0.8 आर्स। सो बोलो कितना आ जाता है टोटल आर्स रिक्वायर्ड कितना आ जाता है मेरे पास, 3200 आर्स एंड 1280 आर्स, बराबर है करेक्ट। सो मेरे को चाहिए कितना, सो देयरफॉर टोटल आर्स रिक्वायर्ड कॉम्बाइन जेड प्लस डी दोनों मिला के, अगर मेरे को दोनों का फुल यूटिलाइजेशन करना है, तो मेरे को कितना आर्स चाहिए। सो कैन आई से इट इज 3200 प्लस 1280, कैन आई से 4480 आर्स चाहिए, बट मेरे पास आर्स अवेलेबल कितना है, कैन आई से इट इज ओनली 4000 आर्स। सो There is a shortage of machine hours. Oh gosh, there is a shortage of machine hours. कितना shortage है, 480 hours का shortage है, and because there is a shortage, अपन machine hours को क्या बोलेंगे, we will call it a bottleneck activity. So इधर अपन लोग लिख सकते हैं, since machine hours is limited, it is a bottleneck activity. It is a bottleneck activity. Bottleneck activity मतलब any activity which restricts the production. अब मेरे पास मशीन आर कम है तो मेरे पास भले ही मटीरियल और स्किल लेबर ज्यादा है ना, तो भी मैं चाहूं तो भी मैं प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर्स विल रिस्ट्रिक्ट मी ऑलवेज। इसलिए उसको कहते हैं bottleneck activity. चलो प्लीज एवरीबॉडी राइट दिस डाउन, आई होप इतना समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं बहुत ज्यादा लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम कम है, एंड मैं ऑलरेडी ये तुम लोग के साथ पीडीएफ तो शेयर कर ही रहा हूं, ये वाला जो भी मैं इधर लिख रहा हूं। सो आई डोंट थिंक सो आप लोग को फिर बाद में एज सच मैटर करने की जरूरत है, बॉदर करने की जरूरत है। अब अपन आएंगे रियल सोल्यूशन के ऊपर, अब अपन लगाएंगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां से अपने को पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जी प्रोडक्ट डी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर दे रहा है, थ्रूपुट अकाउंटिंग किसका बेटर है, एंड देन वी विल टेक आर डिसीजन। तो प्लीज दो मिनट दे रहा हूं, देख लो इसको, एंड देन वी विल कम टू आवर मेन सॉल्यूशन। कंपनी का नाम है ZED लिमिटेड, ठीक है। चलो सो ये कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, एंड अपने को यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो चलो आप लेट्स स्टार्ट विद दैट statement to rank products based on
थ्रूपुट अकाउंटिंग। देखो ये सब जो कैच वर्ड्स है, अगर एग्जाम में अपना आपको क्वेश्चन यूज कर रहा है ना, ध्यान रखना आपको भी एग्जाम में एज इट इज ये सब चीजें यूज करनी है, सो दैट दी एग्जामिनर नोज दैट यार अब बंदा प्लानिंग के साथ आया है एंड ही नोज व्हाट ही इज राइटिंग। सो यहां पे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, जी एंड डी, करेक्ट। सो इधर मैं लिख दूंगा पार्टिकुलर्स एंड वी विल राइट योर प्रोडक्ट जी एंड प्रोडक्ट डी, करेक्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है जिससे अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एंड जो मिलेगा उसको आप थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो या कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन राइट योर द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यू कैन राइट योर वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है सेलिंग प्राइस? 16,000 and 4,000 and material cost 7,000 1,200, so 7,000 and 1,200 and अब अपने पास बचता है contribution 9,000 per unit and अपन लोग यहां पे लिख देंगे 2,800 per unit। चलो अभी क्लियर, बट याद रखना कि यहां पे देर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, देर इज अ bottleneck एक्टिविटी। कौन सा है वो bottleneck एक्टिविटी? इट इज द मशीन आज। सो जब भी ये bottleneck एक्टिविटी हो, वी विल हैव टू बेस आर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट bottleneck एक्टिविटी, कि भाई वो bottleneck एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, वो लिमिटेड रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए कौन सा प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है। इन दिस केस the bottleneck activity is machine hours, so contribution per unit divided by, मैं यहां पर लिख सकता हूं limiting factor per unit, जी हां I can use that word limiting factor per unit, और bracket में लिख देते हैं अपन machine hours। याद रखना ये bracket में लिखना बहुत जरूरी है, again the examiner should know each and everything, जो आप सोच रहे हो वो paper में present करो, समझे, जो आप सोच रहे हो वो पेपर में प्रेजेंट करो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शो ऑफ, जो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में आजकल बहुत बढ़ गया है सोशल मीडिया की वजह से, तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा शो ऑफ बढ़ चुका है, कोई वो नहीं है, है जो है उसमें क्या डिनाई करे। अब जिंदगी में बाकी सब चीजों पर शो ऑफ कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में शो ऑफ करना मत भूलना, एग्जामिनर को शो ऑफ करो भाई जितना कर सकते हो, ये आपकी जिंदगी बना देंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। सो लिमिटिंग फैक्टर्स पर यूनिट कितना है, मशीन आवर्स पर यूनिट 1.6 आवर्स एंड 0.8 आवर्स, सो 1.6 आवर्स पर यूनिट 0.8 आवर्स पर यूनिट। तो अब मेरे को ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर मिल जाएगा, अब मेरे को ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर मिल जाएगा, इसको थ्रूपुट रिटर्न पर आवर भी बोल सकते हो आप, इसको थ्रूपुट रिटर्न पर आवर भी बोल सकते हो। जस्ट वॉन्ट, यस, ऑलराइट, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज थ्रूपुट रिटर्न पर आर, क्या बोलते हैं इसको, थ्रूपुट रिटर्न पर आर। चलो आइए, सो टेल मी 9000 डिवाइड बाय 1.6 आवर्स पर यूनिट कितना आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर कितना आता है रुपीज, कौन कैलकुलेटर्स, 9,000 डिवाइड बाय 1.6 मतलब एक घंटे में अपने को जी रुपीज 5,625 कमा के देगा, एंड जी तू कितना कमा के देगा रे भाई, डिवाइड बाय 0.8, सो अपने को जी रुपीज 3,500 पर आर अपने को वो कमा के देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। चलो सो आइडियली यहां पे अपन लोग रैंक दे सकते हैं, आइडियली अपन लोग यहां पे रैंक दे सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर यूज करके। सो माई सजेशन यहां पे रैंक दे दो, बट इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ने एक चीज एडिशनली बोली है, वो बोलते हैं कि आप फाइंड करो, और किससे फाइंड करो, यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू डिटरमाइन ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब वो बोल रहे हैं अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग, तो अपने को थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज करना पड़ेगा, कंपल्शन नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग यहां से आपको जो रैंक आएगा ना, रैंक जेड, इन प्रोडक्ट जी को आप फर्स्ट रैंक दोगे, प्रोडक्ट बी को आप सेकंड रैंक दोगे,
यही रैंक आएगा थ्रूपुट अकाउंटिंग के बाद भी, बट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने वो वर्ड यूज कर लिया है ना, तो अपने को उनका मान रखना पड़ेगा। सो अपने पास थ्रूपुट रिटर्न पर आ गया, आर आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड करेंगे अपन लोग अभी कि अपना फैक्ट्री कॉस्ट पर आर कितना है। सर वो कैसे मिलेगा, कम है यहां पे देखो क्या लिखा है, द टोटल ऑफ ऑल फैक्ट्री कॉस्ट इज 1,42,60,000। बराबर है। सो अगर मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 1,42,60,000, ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है। अगर सम पावर फ्लक्चुएशंस, या अगर मेरा टोटल कॉस्ट है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है 1,42,60,000, एंड मेरे को यहां पे देखना है कि भाई मेरे टोटल आर्स कितने हैं। सो टोटल मशीन आर्स कितना है भाई, टोटल मशीन आर्स कितना है मेरा, इट इज कैन आई से 4,000 आर्स। अगर ऐसा सिनेरियो है तो देयरफॉर फैक्ट्री कॉस्ट पर आर मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। सो 1,42,60,000 डिवाइड बाय 4,000 आर्स में अगर करता हूं, सो कैन आई से रुपीज 3,565 पर आर इज माय फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ गया। सो देखो अब अपने को टीए रेशियो कैसे फाइंड करते हैं अपन लोग, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, बिकॉज आईसीए ने बोला अपन लोग उसको यूज करेंगे। तो टीए रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, अपन बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर है अपने पास, डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आर, डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आर। बोलो फैक्ट्री कॉस्ट पर आर कितना है, कैन आई से इट इज रुपीज 3,565, इट इज रुपीज 3,565। सो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टीए रेशियो एक घंटे में कितना मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, वो मुझे मिल जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज नाउ द टीए रेशियो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, जो टर्मिनोलॉजी में आईसीएआई को चाहिए था वो अपन ने दे दिया। सो अगर मैं इसको ए लिखता हूं और इसको मैं बी लिखता हूं, तो टीए रेशियो इज नथिंग बट ए डिवाइड बाय बी। सो 5,625 डिवाइड बाय 3,565, सो ये आ जाता है मेरा 1.58, एंड 3,500 डिवाइड बाय 3,565 ये आ जाता है मेरा 0.98। सो डेफिनेटली हायर द टीए रेशियो हायर द रैंक। सो आई विल से कि भाई प्रोडक्ट जी को प्रायोरिटी दो एंड प्रोडक्ट डी को सेकेंड प्रायोरिटी दो। अगर टाइम बच रहा है तो डी बनाओ, बट प्रायोरिटी पे आपको प्रोडक्ट जी पहले पूरा बनाना चाहिए, फिर ही प्रोडक्ट डी बनाओ। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था अपने लिए कि बेस्ड ऑन दिस अपन लोग ने रैंकिंग दिया है। अब ये स्टेटमेंट को यूज करके जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करना है अपने को, विच इज डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। अगर मैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि भाई देखो पहले 400 यूनिट जो ऑलरेडी ऑर्डर एक्सेप्टेड है उसको अदा करो, सेकेंड 1,200 यूनिट जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है उसको अदा करो, फिर बाद में जो रिमेनिंग है दैट इज वेर यू हैव टू डू। तो आपको ये 400 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स तो आपको पहले सेटिस्फाई करना है, फिर जो बैलेंसिंग आएगा इसके लिए आपको ये रैंकिंग को यूज करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज ऑलरेडी अ कमिटमेंट ऑफ ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्ट जी एंड प्रोडक्ट डी, तो पहले आपको उनको फेवर देना है जिसका कमिटमेंट आप ऑलरेडी ले चुके हो। वो कमिटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास अभी भी कितने आर्स बच रहे हैं, और वो आर्स जो बच रहे हैं उसमें मैं प्रायोरिटी पहले जी को दूंगा और फिर डी को दूंगा। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब आपका यहां पे, ठीक है? सो इफ यू आर क्लियर कैन आई मूव ऑन? क्लियर हो गया? आप लोग वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दैट, ठीक है? तो अब मैं कहानी को अगर आगे बढ़ाता हूं तो मैं इधर बनाता हूं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, मैं इधर बनाऊंगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। सो
क्या होगा मेरा ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. तो सबसे पहले मैं इधर एक ना ब्रैकेट में एक लिख देता हूं, फर्स्ट ऑनर द फर्स्ट ऑनर द कमिटमेंट्स, फर्स्ट ऑनर द कमिटमेंट्स already made, then prioritize based on TA ratio ranking, based on TA ratio ranking. I hope एकदम clear है अपन यहां तक. चलो आओ. So priority अपन लोग किसको दे रहे हैं? Z को दे रहा है, correct? So अपन लोग बोल रहे हैं कि भाई देख प्रोडक्ट Z तेरे को बनाने के लिए कितना आर जा रहे हैं, उसके भी पहले कितना कमिटमेंट है Z का, 400 यूनिट्स का. सो यूनिट्स Z का कितना है कंफर्म? 400 यूनिट्स. मैं अभी भी इधर बोलता हूं ये ऑनलाइन बुकिंग है मेरा 400 यूनिट्स बनाने हैं. अच्छा एक यूनिट बनाने को कितना आवर्स लगता है? 1. समथिंग कुछ लगता था, 1.6 आवर्स लगता है. ओहो तो Z कितना आवर्स खा गया. So, कितना मशीन आवर्स टोटल खा गया जी? सो 400 इंटू 1.6 आवर्स. तो जी खा गया मेरा 640 आवर्स, करेक्ट? ठीक है. अब प्रोडक्ट जी के बाद कौन आता है? प्रोडक्ट डी. इसका भी यार ऑनलाइन मैंने 1200 यूनिट्स का कमिटमेंट लिया हुआ है. ये एक यूनिट के लिए 0.8 आवर्स खा रहा है. सो ये मेरा 960 आवर्स खा जाएगा, बराबर है. अब द बैलेंसिंग कितना बचा फाइंड करो. सो अब मैं बोलता हूं कि भाई देखो अब इधर है ना, मैं पीछे एक वर्किंग नोट बना लेता हूं लिखता हूं कि बैलेंसिंग आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन. So I will say that total hours मेरे पास है 4000, total hours available 4000 hours, उसमें से Z पहले खा गया 640 hours, D खा गया 960 hours, तो बचा कितना? बराबर ना, correct? So 640 plus 960 1600 माइनस 4000 सो आता है 2400 आवर्स बैलेंस. चलो और Z कैन आई से 2000 यूनिट्स बना सकता है, उसमें से उसने 400 यूनिट्स का कमिटमेंट पूरा कर दिया है, तो अब उसके पास कितना यूनिट्स बचता है? अब उसके पास बचता है 1600 यूनिट्स. सही जा रहा हूं कि नहीं? उसके पास बचता है 1600 यूनिट्स. इधर गया, हाँ 2000 यूनिट्स, उसके पास अब बचता है 1600 यूनिट्स. सो ये 1600 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को चाहिए 1.6 आवर्स पर यूनिट. देखते हैं मेरे पास आवर्स कितना है. सो 2560. सो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा जो Z है वो भी नहीं बन पाएगा. सो बैलेंसिंग will be fully allocated to product Z. के पास क्यों गए? ranking, priority of ranking, wordings देखो इधर, prioritize based on TA ratio ranking. तो ranking में मेरे पास जो product Z है उसको मैं priority दूंगा. product Z जो बचा हुआ है ना balance, वही बनाने को उसको 2560 आवर्स चाहिए, जबकि मेरे पास है खाली 2400 आवर्स. तो जो बचा है वो पूरा का पूरा बाय डिफॉल्ट मैं Z को दे दूंगा. सो यहां पे आई विल राइट डाउन Z. यूनिट्स कितना बनेगा ये मेरा यहां पे? सो मैं बोलूंगा देखो 2400 आवर्स है, एक यूनिट बनाने को 1.6 आवर्स लगता है. सो 2400 डिवाइड बाय 1.6 इधर बचते हैं मेरे पास 1500 यूनिट्स. हो गया. सो आई थिंक प्रीटी क्लियर नाउ. आवर्स पर यूनिट 1.6 आवर्स, 2400 आवर्स ले लिया, एंड अब अपना हो गया है
टोटल 4000 आवर्स। ये हो गया मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। अब इसमें अपने को क्या वैल्यू वाइज भी फाइंड करना होगा, करेक्ट, क्योंकि अपने को लोगों ने बोला है प्रॉफिट भी फाइंड करो। सो एक आर पे अपने को कितना मिल रहा है, एक आर पे जेड अपने को 5625 दे रहा है और डी 3500 दे रहा है। सो लेट्स मल्टीप्लाई दैट हियर। सो अपन बोलेंगे कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जेड 640 आवर्स इंटू 5625 पर आर का अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 640 इंटू 5625 आता है 36 लाख। चलो 960 आवर्स इंटू 3500 सो ये आता है 33,60,000। एंड लास्टली 2400 आवर्स इंटू 5625 सो 1,35,00,000। क्या बात है। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, बोलो बोलो तैल तैल। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,35,00,000 प्लस 36 लाख प्लस 33,60,000 2,04,60,000 2,04,60,000 रिड्यूस द फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट 1 करोड़ कितना रहे 1,42,60,000 एंड जो बैलेंस बचता है दैट लेडीज एंड जेंटलमैन विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। कितना आया है ₹62,00,000। प्लीज कॉपी, शाबाश, कम ऑन एवरीबॉडी, स्टार्ट, करेक्ट। सो फर्स्ट पार्ट डन एंड डस्टेड। सो कितना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है, तो जेड अपन बनाएंगे 400 यूनिट्स ऑनलाइन वाला कमिटेड, डी बनाएंगे 1200 यूनिट्स, जेड 1500 यूनिट्स, तो टोटल जेड बन जाएगा 1900 एंड डी 1200 यूनिट्स, गिविंग अस अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 62 लाख। सो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। एनी डाउट्स, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स आता है यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी और यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। चलो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट जो सबसे मेजर था वो अपना कंप्लीट हो गया, राइट। चलो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। एज आई सेड, लिखने का टाइम आप लोग को खुद से निकालना पड़ेगा वीडियो पॉज करके, बिकॉज उस पर अपन टाइम वेस्ट ना करें, ये शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। लॉजिकली क्लियर है, खाली वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा जिंदगी में। कितना भी मैं अच्छा पढ़ा लूं तो कितना भी तुम अच्छा समझ जाओ, खाली वीडियो देख के कुछ नहीं होगा जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आ गया, खुद से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, उसका देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस एवर इन दिस वर्ल्ड। तो कितना भी तुम मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी तुम कुछ भी देख लो, बट खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ होना नहीं है तुम्हारा, यहां ध्यान में रखना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद से मेहनत करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे पब्लिक, नेक्स्ट इन लाइन इज द सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। कुछ समझे क्या तुम लोग, मैं समझाऊ, मैं आपको समझाऊ क्या। देखो क्या हुआ पता है क्या, क्वेश्चन में अपने पास ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग का प्री ऑर्डर था, बिकॉज वो ऑनलाइन बुकिंग का प्री ऑर्डर था ना, तो इसके लिए मेरे को डी भी बनाना पड़ा और जेड मेरा एक यूनिट नहीं बन पाया, 100 यूनिट तक मेरा नहीं बन पाया। अब वही जेड में अगर 100 यूनिट बनाता ना तो मुझे बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता था, समझ रहे तुम लोग, बट उतना टाइम मैंने डी बनाने में डाल दिया, सो उतना मेरे लिए लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है,
अगेन आई टेलिंग यू, मेरे लिए बेस्ट मिक्स क्या होता पता है, कि मैं पहले पूरा का पूरा डी बना दूं, क्योंकि डी इज गिविंग मी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, डी का पीए रेशियो मैक्सिमम है, तो मेरे को आइडियली पूरा का पूरा 2000 यूनिट्स पहले डी का बनाना है, फिर जेड का बनाना है, फिर मैं डी के ऊपर आऊंगा, बट मैं ऐसा कर नहीं पाया एंड दैट इज द रीजन ये मेरा ये जो प्रॉफिट है वो एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, आई कैन स्टिल अर्न मोर, कितना आइए देखते हैं। तो चलो अब फाइंड करेंगे कि क्या फर्क पड़ता अगर अपन लोग ने पहले Z को प्रायोरिटी दे दिया होता। तो देखिए उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी में इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, आई विल शो यू बोथ द मेथड। क्या सर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं? 100% सर, अगर आईसीएआई ने इनडायरेक्ट मेथड से किया अपने आरटीपी में सॉल्व, और समझो हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आए तो चलेगा क्या? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। इंस्टीट्यूट हैज नो राइट टू कट द मार्क्स इफ योर स्टेप्स आर करेक्ट एंड योर लॉजिक इज करेक्ट, नो राइट व्हाटसोएवर, एक मार्क भी नहीं कट सकता स्टेप्स और लॉजिक करेक्ट हो तो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको इंस्टीट्यूट के जैसे ही एज इट इज सॉल्व करके आना है, एब्सोल्युटली नो। आई होप आई एम वेरी क्लियर, दिमाग में यह बात बिठा दो, सब सब्जेक्ट्स के लिए, आठों आठ सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज मैं बोल रहा हूं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेक्ट है और सीक्वेंसिंग आपका जो थॉट प्रोसेस है वो करेक्ट है, यू विल गेट फुल मार्क्स इररिस्पेक्टिव, इट डज नॉट मैच एज इट इज विद आईसीएआई ओन सजेस्टेड। चलो सो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि अगर मैंने सही तरीका अपनाया होता तो मैं क्या करता, पहले जेड को पूरे के पूरे 2000 यूनिट दे देता, बराबर है, इंटू 1.6 आवर्स, सो 3200 आवर्स में जेड को देता, इसके पास से मेरे को 5625 का कंट्रीब्यूशन मिलता, तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाता, 3200 इंटू 5625, सो 1,80,00,000 का मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाता, करेक्ट। फिर आता है डी, डी 800 आवर्स इंटू 3500 पर आर का कंट्रीब्यूशन यहां पे आता, सो 800 इंटू 3500, सो इधर मेरे को मिलता 28,00,000 प्लस 1,80,00,000, सो 2,80,00,000 हो गया। आई होप मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, वो आप लोग प्लीज मुझे ठीक कर देना। करेक्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 1,42,60,000, सो लेस 1,42,60,000 एंड मेरे पास बच जाता 65,40,000। दिस इज द मैक्स प्रॉफिट जो मैं अर्न कर सकता हूं, बराबर है। बट लास्ट टाइम एक प्रोडक्ट मिक्स के वजह से मैंने कितना अर्न किया, सो प्रॉफिट अर्न एज पर वन कितना अर्न किया, 62,00,000, सो कैन आई से 3,40,000, ये क्या है मेरा एडिशनल प्रॉफिट दैट आई कुड हैव अर्न, या प्रॉफिट लॉस्ट जो इंस्टीट्यूट वर्ड यूज कर रही है, इंस्टीट्यूट क्या वर्ड यूज कर रही है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। तो लो भाई उनकी लैंग्वेज में उनको थोप दो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, समझ गुरु, बराबर ना। क्योंकि देखो लास्ट टाइम में भी मैंने ना 1900 यूनिट्स बना लिया था, इधर देखो 400 यूनिट्स प्लस 1500 यूनिट्स, 1900 यूनिट्स बना लिया था, बट 100 यूनिट्स और अगर मैं जी का बना लेता ना तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 3,40,000 से बढ़ जाता। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि देखो आपका जो प्रॉब्लम है वो खाली वो 100 यूनिट्स का है, बराबर है, तो आपने फिलहाल 100 यूनिट्स में अगर आप 100 यूनिट्स जेड का बनाते तो 1.6 आवर्स मतलब टोटल 1600 आवर्स का जो गेम है, सॉरी 160 आवर्स का जो गेम है, वो 160 आवर्स अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जेड को देते। अगर वो 160 आवर्स अपन जेड को देते तो 5625 पर आवर अपन कमाते, तो कितना मिलता,
160 इंटू 5625 कैन आई से 9 लाख मिलता। और इसी के सामने अगर डी को अपन लोग ने ये 160 आवर्स दिया तो डी ने 3500 पर आवर कमाया, विच इज हाउ मच, विच इज 5,60,000। ओ सो 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 इफ जेड वॉज गिवेन दोज 160 आवर्स सो द प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय द प्रॉफिट would have increased by, can I say 9 lakh minus 5,60,000 which is equal to how much, rupees 3,40,000। so direct method करो या indirect, answer सही में आना है, जैसे भी आप comfortable हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है कि आप जैसे comfortable हो वैसे आप इसको कर सकते हो, कोई tension नहीं है। please copy, ठीक है। चलो, so second part done, third, recommend the options to be followed to avoid any loss of profit। तो देखो अब क्या हो रहा है, अपने पास दो प्रोडक्ट है जेड और डी, ठीक है। इसका मैं खाली आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जो उसका थ्योरी पार्ट है वो अपन रीड कर लेंगे, बट एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी लॉस ऑफ प्रॉफिट ना हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टीए रेशियो के हिसाब से, बेस्ड ऑन टीए रेशियो, क्योंकि टीए रेशियो आपको प्रॉपर बताता है कि किसका रैंकिंग क्या है। बेस्ड ऑन टीए रेशियो रैंकिंग प्रोडक्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या बोला, बेस्ड ऑन टीए रेशियो रैंकिंग प्रोडक्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। सो आपको सबसे पहले वो प्रायोरिटी रखना चाहिए। सेकेंड, बी का जो अनसेटिस्फाइड डिमांड है, कैन आई से वो अनसेटिस्फाइड डिमांड को अपन लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका अपन पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, बट वी कैन ऑल्सो सब कॉन्ट्रैक्ट, ताकि अपने से कोई भी बिजनेस छूटे ना। सो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो कॉस्ट सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा, फॉर प्रोडक्ट डी, स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट डी अपन लोग एक काम कर सकते हैं कि उसका इंप्रूव टीए रेशियो। सो टीए रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, पहले इंप्रूव द कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कॉन्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे, करेक्ट, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, रिड्यूस द मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दो तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा, जिससे आपका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ओवरऑल टीए रेशियो बढ़ेगा, बराबर है। रिमूव द बॉटलनेक एक्टिविटीज, रिमूव द बॉटलनेक, बराबर ना, अगर ये बॉटलनेक भी निकल जाएगा मशीन आर्स का तो भी अपना काम हो जाएगा, है क्या रहा है। सो बेसिकली ये तीन चार चीजें आपको प्रेजेंट करनी है आईसीएआई को, टेलिंग देम दैट सी अगर अपन ये सब चीजें करते हैं तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है वो कभी नहीं होगा। सबसे पहले टीए रेशियो के हिसाब से जेड का हाईएस्ट रैंकिंग है, जेड के ऊपर प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स बनाओ, फिर जो बचता है डी को दो। डी में भी पूरा अगर नहीं बना पा रहे हो तो बाकी का पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो बेस्ड ऑन अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। डी को भी इंप्रूव करो बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, रिड्यूसिंग मटीरियल कॉस्ट, बॉटलनेक को रिमूव कर दो, ऑल ऑफ दैट। ए सब जुगड़ू, आर वी क्लियर एवरीबॉडी। सो बेस्ड ऑन दिस जेड एंड डी शुड बी इंप्रूव्ड, ताकि आपका लॉसेस 1% ना हो। ये था आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट बोलता है लिस्ट द वेरियस वेज थ्रू विच प्राइस कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल। अब ये ले जाता है अपने को प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर। सो प्राइसिंग पॉलिसी क्या बोलता है कि अगर आपको प्राइस कस्टमाइज करना है,
अगर आपको प्राइस कस्टमाइजेशन करना है तो वो पॉसिबल है, प्राइस कस्टमाइजेशन करना है तो वो पॉसिबल है। कैसे करोगे आप? देखो, फर्स्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, आप एक अपना बेस प्रोडक्ट बना लो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आजकल फोन आते हैं, तो आज की तारीख में फोन क्या होता है, बेस प्रोडक्ट के लिए 32 GB मिलेगा आपको, ये हमारा बेस प्रोडक्ट है, 32 GB का आपको पड़ेगा 10,000 रुपया, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये बेस प्रोडक्ट हो गया, अब इसको इधर 64 GB कर दो, तो इधर क्या होगा, चलो 2 GB रैम, 2 GB रैम प्लस 32 GB 10,000, 2 GB रैम प्लस 64 GB 12,000, 4 GB रैम प्लस 64 GB का स्टोरेज, स्टोरेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो 14,000। समझ गए तुम लोग? सो प्राइस कस्टमाइज होते जा रहा है बेस्ड ऑन दिस। अरे आजकल आप लोग ने वीडियो लेक्चर्स भी खरीद दे, आजकल तो आप, हम लोग प्रोफेसर भी है, प्रोडक्ट लाइन में वेरिएशन करते हैं। 6 months 1.5 व्यू 10,000, 9 months 2 views 15,000, 12 months 3 views 21,000, समझाएगी नहीं? So, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, प्राइस कस्टमाइजेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। ये सेम चीज होती है मोबाइल मार्केट में, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। ए समझ गुरू। चलो सेकंड के ऊपर आते हैं, एक बार प्रोडक्ट लाइन हो गया अपने को क्लियर। सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर, कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर। इसका मतलब समझो, आपको लग रहा है कि यार कोई कस्टमर है जो आपका एकदम टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, जिसका टाइमली पेमेंट हो, देन इन दैट केस उसके लिए आप कुछ स्पेशल डिस्काउंट या कुछ ऑफर कर सकते हो कि भाई ठीक है, तू टाइमली पेमेंट करता है, तू सही आ रहा है, तेरे साथ अपने को कोई तकलीफ नहीं है। समझ रहे हो? सो टाइमली पेमेंट, कस्टमर्स पास बिहेवियर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको कुछ और लग रहा है आप वैसा भी दिमाग में लाके डाल सकते हो। सो ये सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर। थर्ड बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक। सो बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आजकल बैंक्स देती है सीनियर सिटीजन को। आप लोगों को पता होगा बहुत सारी जगह पे होता है सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कई बार बहुत जगह पे चिल्ड्रन के लिए रेट्स अलग होते हैं, राइट? डेमोग्राफिक्स, कई बार मिलिट्री पर्सनल जो है उनको आप बेनिफिट कई बार देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी पेन ड्राइव सेल करना है और कोई मुझे बोलता है कि सर आई एम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, then in that case I try to give them the maximum benefit, maximum concession possible. So based on demographics. And last एक point यहाँ पे लिख सकते हो, based on time differential. आप मानोगे नहीं, just 3 दिन पहले ये time differential मेरे साथ हुआ। मेरे घर पे मुझे broadband services लेनी थी, तो broadband वाले ने मुझे आके बोला कि सर आप अगर 1 महीने का broadband लेते हो ना तो आपको 1,000 पड़ेगा, सर अगर आप 6 महीने का broadband एक साथ लेते हो तो आइडियली तो 1,000 इंटू 6 होना चाहिए, बट सर हम आपको 5,000 में दे देंगे। अरे सर आप अगर 12 मंथ का लेते हो तो आइडियली तो इसके हिसाब से 10,000 होना चाहिए, सर हम आपको 8,000 में दे देंगे। समझो टाइम डिफरेंशियल, जैसे जैसे द टाइम ड्यूरेशन, आप जो क्या होता है उससे जो आपको दे रहा है ना उसको एक अश्योरिटी आ जाता है कि हाँ यार ये मेरा कस्टमर एक साल के लिए तो बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरा कस्टमर एक साल के लिए तो बंधा हुआ है। So, अगर वैसा सिनेरियो होता है देन इन दैट केस अगेन यू कैन हैव अ डिफरेंट प्राइसिंग कस्टमाइजेशन। सो वही जो मेरा इधर 1,000 पर मंथ हो रहा था, बिकॉज टाइम डिफरेंशियल है तो अब 8,000 डिवाइड बाय 12 काफी कम हो गया है, 800-900 रुपीज पर मंथ पे आ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दिस आर द 4 पॉइंट जो आपको लिखना है। आप एग्जाम्पल्स भी लिख के देखो, जब आप ऐसा कुछ लिखते हो और आपको एग्जाम्पल याद आते हैं ना तो आप एग्जाम्पल लिख कर आओ। मैं एग्जाम्पल दे ही इसीलिए रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिख के आओ। यस जी हां। सो 4 पॉइंट्स, प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर पास बिहेवियर, टाइम डिफरेंशियल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? चलो एंड अब चलते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, विच इज मस्ट सम था ना, बड़ा सम, 10 मार्क का सम था, 10 या 12 मार्क का, एंड वर्थ द क्वेश्चन। Given the product Z is in maturity stage and D is in introduction stage, क्या pricing policy इनको follow करना चाहिए? Very good question. So Z maturity stage पे है और D अपने introduction stage पे है,
सो देखो मैच्योरिटी स्टेज पे है मतलब कंपटीशन ज्यादा है, मैच्योरिटी स्टेज पे जब तक पहुंचते हैं आदमी तब तक वो प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन आ जाता है ज्यादा। सो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा प्राइस ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है कम भी नहीं करना है, यू हैव टू स्टे विद द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे आपका प्राइसिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, स्टे विद द मार्केट प्राइस, बहुत ज्यादा अपने आगे पीछे नहीं करना है क्योंकि अपन मैच्योरिटी स्टेज पे ओवर स्मार्टनेस में अपन कहीं डिक्लाइन स्टेज पे ना पहुंच जाए। सो इसके लिए गो विद द फ्लो, स्टे विद द मार्केट प्राइस। बट हाँ अगर अपना इंट्रोडक्शन स्टेज है देन इन दैट केस अपने पास स्कोप है एक्सप्लोर करने का, तो अपन दो चीज देखेंगे, क्या अपना प्रोडक्ट कॉमन है या क्या अपना प्रोडक्ट जनरल है। अगर जनरल या कॉमन प्रोडक्ट है देन इन दैट केस आप यूज कीजिए पेनेट्रेशन पॉलिसी जो जियो ने यूज की थी, पूरी की पूरी पेनेट्रेशन पॉलिसी यूज करके पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। एंड अगर आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, न्यू एंड यूनिक है देन इन दैट केस आप यूज कर सकते हो स्किमिंग पॉलिसी जो एप्पल आईफोन ने यूज की थी जब उसने अपना आईफोन लॉन्च किया था। एप्पल ने जब अपना आईफोन लॉन्च किया था इट यूज्ड दिस स्किमिंग पॉलिसी क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में यूनिक ऐसा स्मार्टफोन कहीं नहीं है, खा लो जितना मस्का स्किम्ड मिल्क जितना आप कर सकते हो। आर वी क्लियर एवरीबॉडी, विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। एज आई सेड अ फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा एंड उतना ही मजा आया होगा। चलो थैंक यू। अब आप लोग सोल्यूशन गो थ्रू कर सकते हो आरटीपी का इफ यू वांट, मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है। स्टिल इफ यू हैव टाइम आपको लगता है नहीं एक बार उधर भी गो थ्रू कर लेते हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट। चलो ये भी मैं भी एक बार आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अपन ने मशीन आर्स का कैलकुलेशन किया, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग दिया करेक्ट है, देन थ्रूपुट रिटर्न पर आर रैंकिंग ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, फिर बेस्ट प्रॉफिट लॉस्ट आप कितना हो रहा है वो, फिर अपना रिकमेंडेशन जो अपने को देना था करेक्ट राइट, ऑप्शन वन ऑप्शन टू था इसमें। देन इधर देखो ये लोग ने ऑप्शन वन ऑप्शन टू दिया, अपन लोग ने अपने हिसाब से पूरा उसको एनालाइज किया था जेड को और डी को। देन केम प्राइसिंग पॉलिसी वाला क्वेश्चन, सो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन कस्टम कंज्यूमर पास बिहेवियर डेमोग्राफिक टाइम डिफरेंशियल एंड देन फाइनली जो उसका मैच्योरिटी स्टेज एंड इंट्रोडक्शन स्टेज है उसका आंसर। अब इनके सोल्यूशन देखोगे ना इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन तो आपको बहुत लंबा लंबा थ्योरी लिखा है, तो सर इतना थ्योरी कहां से याद रहेगा, इतना डिटेल थ्योरी लिखना भी नहीं है, इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, इंस्टीट्यूट को थोड़ी सा आंसर देना है, इंस्टीट्यूट को थोड़ी एग्जाम देना है, समझे तुम लोग, इंस्टीट्यूट के लिए तो एक उसको तो जितना वो लिखेगा उतना आपको बेनिफिट होगा और उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। एज अ स्टूडेंट आप ये देख के डरो मत कि अरे इतना सारा थ्योरी इंस्टीट्यूट ने लिखा अपने को भी एज इट इज उतना थ्योरी लिखना पड़ेगा, नो एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे, साथ में उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, वी आर थ्रू, इंस्टीट्यूट खुश है उससे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर विद द लॉजिक विद द कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल साथ में सपोर्ट करने के लिए, हो गया बस अब आपको और कुछ नहीं लिखना है। सो इंस्टीट्यूट के आंसर्स देख के मत डरो एकदम, दे विल बी डिटेल एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। मैं भी अगर इंस्टीट्यूट लेके बैठा हूं, मैं भी अगर मेरी कोई ऑथर्ड बुक है तो मैं एकदम दिल खोल के लिखूंगा, बट आपको एग्जाम लिखना है तो आप भावनाओं में भय मत जाना, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टिल द टाइम कि आपको लगे कि हाँ मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, योर एग्जामिनर इज हैप्पी, फुल मार्क्स, समझ गुरु। चलो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स प्राइसिंग पॉलिसी एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ब्रिलियंट सम, थैंक यू सो मच। चलो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। सो ये अपन लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है, नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, ऐसे ही मैं छोटे छोटे एक 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 दो दो क्वेश्चन के वीडियोज लाके आपको दे दे रहूंगा सो दैट आप भी कनेक्टेड रहे एंड ज्यादा टाइम भी ना लगे। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।